हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेंटल भारत। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ऑटो क्लेप की, जो कि मैंने ऑफलाइन एक डीलर से ख़रीदा है। आप भी इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीद सकते हैं। ये लगभग आपको 3500 से 4000 की रेंज में आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसमें कार्डबोर्ड का एक छोटा सा बॉक्स है। चलिए अब हम इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या निकलता है। इसमें कुछ प्लास्टिक के हैंडल मिल जाते हैं, जिनकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ ही आपको मिल जाते हैं। आप इसे ऑटोक्लेव में अटैच करके यूज कर सकते हैं, जिससे आप ऑटोक्लेव को इजीली कैरी कर सकते हैं। ये लगभग आपको 4 हैंडल मिल जाते हैं, जो कि ऑटोक्लेव के दोनों साइड दो दो हैंडल अटैच हो जाते हैं। एक इसमें आपको ऑटोक्लेव स्टैंड मिल जाता है, जिस पे आप ऑटोक्लेव को रख के इसका यूज कर सकते हैं। इस पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जिसे आप पढ़ के इसे इजीली यूज कर सकते हैं। पावर प्लग की बात करें तो इसके पावर प्लग काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ है। और इसकी जो केबल है, इस पे आउटर कवरिंग नायलॉन की बनी हुई है, जो इसको प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पे आपको एक टाइमर नज़र आ रहा होगा। इस टाइमर को आप सेट करके आप इसे ऑटोक्लेव के लिए यूज कर सकते हैं। का हम 0 से लेके 60 मिनट तक यूज कर सकते हैं। और जनरली गाइस, यदि आप इसको एक बार सेट कर देते हैं तो आप इसे मैन्युअली 0 पे नहीं ला सकते हैं। जब तक ये ऑटोमेटिकली 0 पे ना आ जाए, आप इसे फोर्सफुली 0 पे ना लाएं, नहीं तो टाइमर ख़राब हो सकता है। इस ऑटोक्लेव के ऊपर की तरफ देखें तो इसमें आपको एक प्रेशर गेज नज़र आ जाता है, जिसमें आपको इसके प्रेशर का पता लगता रहेगा। गाइज, इसमें लेफ़्ट साइड में आपको रेड रिंग के साथ एक डबल सेफ्टी वॉल्व मिल जाता है, जो कि एक्सेसिव प्रेशर को रिलीज करता है। इसमें आपको 4 स्क्रू नज़र आ रहे होंगे, 2 ऊपर वाले हिस्से में, 2 नीचे वाले हिस्से में। आप इसमें हैंडल को अटैच करके इसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हो। राइट साइड में इसमें एक प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल्व मिल जाता है, जो कि इसके प्रेशर को मेंटेन रखता है। गाइस, ये इसका स्टीम रिलीजिंग वॉल्व है। यदि आपको इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव करने हैं तो इसको टाइट करना है। यदि आपको इंस्ट्रूमेंट इसमें से निकालने हैं तो इसको ओपन करके इसके प्रेशर को रिलीज़ करना है, स्टीम को रिलीज़ करना है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट निकालने हैं। गाइस, जैसा कि मैंने बताया है, इस ऑटोक्लेव के साइड में 4 स्क्रू लगे हुए हैं, जिसमें आप प्लास्टिक के हैंडल को अटैच करके इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं। गाइज, इन स्क्रू की सहायता से 2 अपर वाले में और 2 नीचे वाले चैम्बर पे ये प्लास्टिक हैंडल अटैच कर देने हैं। ऑटोक्लेव के अंदर आपको एक स्टील का ड्रम मिल जाता है, जिसमें आप इंस्ट्रूमेंट रख के ईजिली ऑटोक्लेव कर सकते हैं। इसके अंदर की साइड आपको एक स्टैंड मिल जाता है, जिस पे आप ड्रम को रख के इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव कर सकते हैं, ताकि ड्रम हीटिंग एलिमेंट के टच में ना आए, नहीं तो हीटिंग एलिमेंट को ख़राब होने के चांस रहते हैं। गाइस, जो इसका हीटिंग एलिमेंट है वो ISI अप्रूव्ड है और कॉपर के साथ में है। इसका हीटिंग एलिमेंट अप्रोक्स 1000 वाट में है। एलिमेंट के बैक साइड की बात करें तो इसमें एक पावर ग्रिड को अटैच करने का एक हब होता है, जिसमें